ਗੌਸ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਨਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੇ ਡੋਬਣਾ ਕੀ ਜਿਹਦੀ ਗੌਸ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਮੈਂ ਜੀਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪੇੜੇ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਲਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਓਏ ਮੁਖਬਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਚੋਰੀ
आए क्यों? खैर क्या है? एक पुछन रस्म का गेरा नहीं दूरी, ये तो निकल नहीं करता। पर वो क्यों? गुस्से च मेरे को शुकेरा कत्ल हो गया। कत्ल? यकीन कर लूरी, पहल मैं नहीं सीखी थी। शुकेर मैं इसलिए गोली मारी है कि उन्होंने मेरे स्मगलिंग के माल की मुखमरी की थी। तेन अपनी जान की परवाह नहीं, मेरे पुत्र का कुछ ख्याल था। अपने नापा हाथ मेरे पुत्र नु लाई, मैं ते तेरा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूरी, नूरी तेरे झूठ ना इंसान कदे नहीं कर सकती। कितों का इंसाफ है? जुलम तू करे ते सजा दी सूली ते असली मां पुत्र चढ़िए कदे नहीं हो सकता। मैं किसी कातल ते समग्र का वजूद है कार विच बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा चला जा इत्थों। बकवास बंद कर, तैनू मेरा जान देगा। सिर्फ तू जाएगा जेल। सच्चाई ते शराफत हमेशा घर की चार दीवारी ची चंगी लगती है। हथकड़ी ला लो इनू। मैं सब कुछ सुन चुकिया भैणा, ते मैनू तेरे जज्बात का एहसास भी। सिर्फ यह सोच के अपने अथरू पूंझ ले कि जड़ा शख्स अपने मुल्क ते कौम का दुश्मन होवे, कदी किसी का सज्जन नहीं हो सकता। एक मुजरम की बीवी होने के बावजूद तू जिस जज्बे का इजहार किया है, कानून उसकी हमेशा कदर करेगा। चल आए इंतकाम लवांगा। दिलावर जेल दियां कंधां च टक्करां मार मार के मर जाएगा। शेर बहादुर तू गिद्दड़ नूं शेर दिस पवे ते मथे ते मौत दी त्रेली आई जांदी है। नाले साडा कम सिर्फ मुजरिमां नाल जेलां भरना ही नहीं, कानून हर शरीफ ते मजबूर पैण दी इज्जत दी हिफाजत करना अपना फर्ज समझदा है। शेर बहादुर तैनूं शायद पता नहीं कि जुराम पेशा लोग ताडे को नहीं सिर्फ तुहाडी वर्दी तो डरते हैं। बहादुर तैनू शायद पता नहीं कि जुराम पेशा लोग ताडे को नहीं सिर्फ तुहाडी वर्दी तो डरते हैं। खातर अपनी जिंदगी ताते ला सकने ते फिर भैन भी तेरे तो जान कुर्बान कर सकती है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं तेनू मरन नहीं दियांगा। मैं तेरा एहसान किस तरह लाऊंगा भेणा, किस तरह लाऊंगा? जे तू मेरे एहसान का फर्ज लाना चाहना है ते फिर तेनू मेरे नाल इक
वादा करना पड़ेगा। हाँ, बोल, बोल मेरे पहले बोल। मेरी मौत तो बाद। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे बच्चे दी मासूमियत ते किसे जुर्म दा परछावा नहीं पैण देवेगा, नहीं पैण देवेगा। यकीन कर मेरे पहले तेरा हुक्म मेरी जिंदगी का पहला मकसद होगा। याद रखी वीरा, जे मेरा पुत्र अपने प्यो का रूप बन गया तो फिर मेरे रोतन कदे माफ नहीं करेंगे, कदे माफ नहीं करेंगे। कानून इस बच्चे नूं अपना पुत्र समझ के पालेगा, अपना पुत्र। ज़ायदा, ज़ायदा, इधर आ, देख, देख मैं तेरे लिए कितनी सोहनी चीज लेके आया। एक किदा बच्चे? रब ने साड़ी दुआ सुन ली थी, उन्हें तेरी चोली अपनी रहमत नल पार दी थी। हाय अल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है, इन साड़ी को ले जावेगा ना? हाँ, इसलिए कि यदि माँ मर चुकी है तो इदा बाप जेल दिया सलाह पिछे बंद। बाप जेल दिया सलाह पिछे बंद है? नहीं नहीं, इन वापस ले जाओ। मैं औलाद की ख्वाहिश जरूर है पर किसी मुजरिम के बच्चे नाल अपनी गोद पर ऐसा मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तू उस बच्चे नु गोद लेने तो इनकार कर रही है ज्यादा, जिदी मां ने तेरे सुहाग तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जे इस मासूम की मां नेकी ना करती ते आज इस कारे शेर बहादुर नहीं उदा जनाजा आंदा। अल्लाह ना करे कि तन कुछ होवे। मैं तेरे नाल वादा कर रही हूं, आज तो बाद इस बच्चे नू अपने जिगर का टुकड़ा समझ के पालांगी। सरताज जल्दी नल बाबर नू गोदी चुला के अपना बेटा चुक लो, देखो साडा बच्चा कितना प्यारा है। तेरा मतलब है बाबर उन पराया हो गया? सैदा, मेरा ईमान है खुदा ने तेरी गोद सिर्फ इसलिए परी है कि तू बाबर नू सहारा दिन दिन नेकी की सी। पुत्र मिलन तो बाद तू ते अपना वादा भूल सकनी है पर मैं नहीं। याद रख सैदा, मैं उदों तक अपने पुत्र नु सीने नल नहीं लावांगा जदों तक तू मेरे नाल वादा नहीं करेगी कि सारी जिंदगी दोवां बच्चों चो किसी नु भी सुतेलेपन का एहसास नहीं होने देगी। बस करो सरताज, बस करो, मैं वादा करनी हां के सारी जिंदगी दोवां पुत्रां नूं सखी मां दा प्यार दियांगी, सखी मां दा प्यार दियांगी। मेहनत इबादत है ते इबादत दा सिला खुदा दी जात जरूर दिंदी है,
मेरे बच्चों, मेरी दुआ है कि तुसी भी मेरे अंगों पढ़ लिख के ते कानून दे महाफिज बनो। की बनो? कानून दे महाफिज। शाबाश। हुण एक मेरी नसीहत जरूर याद रखना, रिश्ता टुटदा है ते टुट जाए, पर कानून नहीं टुटना चाहिए। ते जे कदी वक्त इंसाफ दी जिम्मेदारी ताडे मोढ़ियां ते पा देवे, ते इंसाफ दी अजमत लई अपनी औलाद भी कुर्बान कर देना। ते बच्चियो, मैनू उम्मीद है कि तुसी अपने डैडी दी नसीहत नू हमेशा याद रखोगे। जी अम्मी जान, जरूर याद रखूंगी। चलो फिर हुन पढ़ाई दा पीरियड खत्म ते खेल दा पीरियड शुरू। थैंक यू अम्मी, जिंदाबाद। की गल है, की होया है? ए तुहानू मैं दसना जनाब, ए तीसरी बारी सारे ड्राइंग रूम दा शीशा तोड़ के आए ने। आई एम सॉरी नजीर साहब, मैं माफी चाहना, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। नहीं नहीं शेर बहादुर साहब, माफी वाली कोई गल नहीं, पर एक रिक्वेस्ट जरूर करांगा, तुसी अपने पुत्र अकबर की जबान से जरा कंट्रोल करो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुहाडा पुत्र अकबर एडा बदतमीज भी हो सकता। क्यों अकबर, तू अंकल नजीर नु की क्या सी? शीशा ही तोड़िया डैडी, अंकल नजीर दी नक तो नहीं तोड़ दी। ओ शाटा, जे तू आइंदा एहो जी बदतमीजी कीती, तैनू एहो जी सजा देंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। चलो हुण बस करो, बच्चियां कोलों गलतियां हो ही जांदियां ने। गलती ते बदतमीजी फर्क होंदा ज्यादा, ले जा इहनू इत्थों मेरी नजरों तो दूर। जी शेर बहादुर जी, अकबर स्कूल नहीं आया? लेकिन सर वो ते दोवें भरा कट्ठे गए सन स्कूल। जी बाबर ते वो दोवें कट्ठे गए सन। सी, अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, इतला देन दा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अकबर, तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? मैं स्लम दे घर क्रिकेट खेलने चला गया सा। क्रिकेट का बच्चा, मैं आज तेनू जिंदे नहीं छड़ांगा। चलो तुसी इन्हें माफ कर दियो, छोटी जी गलती दी इन्नी वड्डी सजा ते नहीं दे दी। तो चुप कर ज्यादा, सजा न दईए ते छोटी छोटी गलतियां एक दिन जुर्म दा रूप धार लैंदियां ने। इन्हू स्कूल न जान दी सजा जरूर मिलेगी। जा लै जा इन्हू ते कमरे बंद कर दे, ते अज इन्हू खाना भी नहीं मिलेगा। पर मैं दी मां वा। ए मेरा हुक्म है। मैं अपनी सजा का एक एक दिन अपने पुत्र की याद गुजारे, इसलिए मैं हूं
सब तो पहला इंस्पेक्टर शेर बहादुर दे काजा मंगा। जिस तरह शेर बहादुर ने मेरी शक्ल से मेरा नाम नहीं भुलिया उसी तरह मैंने भी अपना पुत्र नहीं भुलिया। अच्छा सुना जेलों कदों रहा हो क्या है? एक घंटा पहले तो सीधा अपनी अमानत तारे को लेने लिए आ गया। चाय पिएगा या ठंडा की पसंद करेगा? अपने पुत्र की शक्ल वेखना। किड़ा पुत्र? जेल जान तो पहले तू अपना पुत्र मेरे वाले तनिसा करके गया। पर मेरी बीवी ने मरन तो पहला मेरे पुत्र नो ताड़े हवाले की तस। मैं क्या जरा मेरी गलते सुनना। एक मिनट। हाँ। मैं नहीं चाहती कि तुसी एक सजा याफ्ता मुजरिम नाल झगड़ा करो ते नाले एक बाप नो दा पुत्र वापस देने च की हर्ज है। तेरा मतलब है मैं शेर बहादुर एक पैनल की ता वादा तोड़ दिया नेकी ते बदी दा पैरा बैठा दिया? नहीं नहीं ज्यादा नहीं ये नहीं हो सकता। दिलावर तेरा पुत्र मेरे कुल कोई नहीं इसलिए तो चला जा। इंस्पेक्टर साहब ये जुल्म है। ये जुल्म नहीं इंसाफ है। मेरा वक्त जाया ना करते तो चला जा। शेर बहादुर मैं अपना पुत्र लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मेरा हुक्म नहीं मनेगा ते मेरे नौकर तेन तिके मार के बार कर देंगे। जा चला जाए तो जा दबाओ। एक बात मेरा पुत्र वापस करने की हर्ज है। दिलावर तेरा पुत्र मेरे को कोई नहीं इसलिए तू जा सकता है। शेर बहादुर मैं अपना पुत्र ले बगैर तो नहीं जाऊंगा। सुना दिलावर की बड़े हैं? शेर बहादुर ने मेरी कोई गल नहीं मनी। मोती तू इन्ना झूठ तो नहीं बोल रहा? झूठ तेरे नाल इन्हें नहीं बोलिया इंस्पेक्टर ने बोलिया। पर तू कौन है? तेरा पुत्र। मेरा पुत्र? ऐ ठीक कह रहे है दिलावर। शेर बहादुर दे घर विच पलण वाले दो बच्चों विचों एक ऐ भी है। जरूर होगा पर इस गल का की सबूत है? जे मैं सका पुत्र हुंदा ते ओ मैनू कदी कमरे च भुखा बंद ना कर दे। की सोच रहे है दिलावर? अपने पुत्र नू लेके टुरन वाली गल कर। नहीं मोती नहीं मैं अपनी सजा ते भुल सकता हूं पर अपने पुत्र नाल होण वाले एक एक जुल्म दा हिसाब जरूर लांगा जरूर लांगा। मेरा पुत्र शेर बहादुर दे घर रहेगा। ऐ की कह रहे दिलावर? मैं ठीक कह रहा मोती। कानून को इंतकाम लैन दा ऐस तो चंगा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। शिकन कानून देखा ही बलेगा। बास ने जगह थे यो ही दसी सी। पता नहीं दूसरी पार्टी मालन क्यों नहीं आई। खबरदार ओए दूजी पार्टी नु ते इस वेले हवाला च लित्तर पै रहे होने ने। इस लई उन्हां ने माल वसूल करन लई सानू भेज दिता है। इंस्पेक्टर शेर खान दे इलाके विच ते चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तुसी कीवें समगलिंग कर सकते हो? और बगैर तो मेरे वस विच होवे ते मैं तुहाडे वर्गे समाज दुश्मनां नू
मौत की सजा दिया। सर सर एक बार माफ कर दो, इंदा सारी जिंदगी कम नहीं करांगे। ओ शट अप। सर माल तो तुसी साडे कोलों लै लिया, ते हुण तुसी ऐसा करो ए भी लै लो ते सानू माफ कर दो जनाब। ओए तू सानू रिश्वत दे रहे है, एदी तैनू अलग सजा मिलेगी। हरकत है ना, तिन्हां नू हथकड़ी ला लो। हथकड़ी सिर्फ इन्हां नू ही नहीं, तुहानू सारियां नू लगेगी। तू कानून की वर्दी पा के अपना नाम शेर खां रख के ते जालसाजी कर रहे हैं गिद्दड़ खां। नहीं सर, ओ मैं ते जरा एवं अमीर बनने की कोशिश कर रहा सा, बाकी तुसी आ गए हो ते मैं फिर अपनी औकात ते आ गया वा। हाँ ते तू अमीर बनने की कोशिश कर रहा से हा? ओए 14 साल जेल विच गुजारेगा ते दिमाग विच्चों अमीरी दा पोत आपे ही निकल जाएगा। हक सच दी बात है मापी, हक सच दी बात। हुण दसो है समाज दुश्मन है ने कि तू? असी दोवें हां सर। शट अप। ओए ना सारियां नू हथकड़ी ला के थाने ले चलो। सर सर प्लीज सर, ए मेरे को आखिरी पूंजी है, ए ले लो ते मैनू माफ कर दियो। ओए तू मैनू रिश्वत दे रही है, एदी तैनू अलग सजा मिलेगी। नहीं सर, ए ते ओ रकम है जिहड़ी मैं परसों वारदात की थी। अच्छा ते तू परसों भी वारदात की थी सी? हां ते उस परसों तो पिछली परसों भी वारदात की थी होनी। नहीं सर, उस दिन तो कोई मुर्गा फंसिया ही नहीं। तब्बे कुक्कड़ वारदाती है, ले चलो इन्हें। ओए बेरूपियो इंस्पेक्टर बाबर खान, तुसी सारे पुलिस के घेरे विचो जे नसन की कोशिश की थी ते गोली मार दियांगा। ए कौन है सर? असली पुलिस। ते तुसी कौन हो सर? मैं तुहाडा पीर भाई। पीर भाई? भाई भाई मारे गए। कोई पुराना जराइम पेशा मालूम है? पहले किन्ने मुकदमे अज मुलबस रहा है? हाँ बहादुर, स्मगलर दे माल दे नाल नाल ओ साडा माल भी लै गया जी। वाह भाई वाह अकबर, एक तीर नाल तू दो निशाने कीते ने। असी तेरी इस पहली कामयाबी ते तैनू दिल मुबारकबाद पेश करने हैं। इस मामूली कामयाबी ते खुश होने की कोई लोड़ नहीं डैडी, मैनु अपने असली प्यो दा प्यार भी याद है ते अपने नकली प्यो दी एक एक दुत्कार भी याद है। मैनु अपनी मां दी जुदाई भी याद है ते शेर बहादुर दे जुलम दी खुदाई भी याद है। बस कर अकबर बस कर, एडी वड्डी वारदात दा इनाम परेशानी नहीं, सुकून है ते सुकून शेर बहादुर दी दुत्कार इच नहीं, घुंगरुआ की छनकार। ए बाजार
ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦੇ ਪਾਗਲ ਦੁਨੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਾਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਤੇ ਖਾੜੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕੱਦੂ ਪੇਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆਈ।
ना कुछ नहीं है तेरा जी ना याद रखने वाली चीज ना नहीं शकल होती है ओ तो हुन मैं सारी जिंदगी नहीं भुलांगी मेरा ते ख्याल है तवायफ तमाशबीन नु नहीं सिर्फ ओदी दित्ती हुई रकम नु याद रख दिए तमाशबीन भी ते तवायफ तो मन नहीं सिर्फ तन याद रखता है मैं फिर सिर्फ सुकून खरीदने आया हूं सुकून ऐस सौदा ते ऐस बाजार विच विकदे नहीं ऐसे ते सारे पिट्टल नु सोना कह के बेचते नहीं पर मैं तेरे नाल झूठ ऐसी नहीं बोलिया कि तुम मैनू चंगा लगा है तवायफ प्यार जतांदी होई ते मुनाफक वाज करदा होया कभी चंगे नहीं लगे हालात शराफत दे पैरें च कुंगरू बन गए ते उन्हें तवायफ नहीं समझ लेता रोज आन दा वादा तू करने ते सारी जिंदगी तेरे पैरें च मैं गुजार देंगी मैं अपने आप ते पाबंदी कदी बर्दाश्त नहीं की थी हामी ते पर आज दी मिठी अग विच मैं सड़ांगी दिने अखा मीत लैण नाल रात नहीं पह जांदी अकबर मौत नाल खेडण वाला इंसान ने इसलिए जिंदगी नाल प्यार करन दा वादा कदी नहीं कर सकता कदी नहीं कर सकता पर मैं तेरे नाल एक वादा जरूर करनी हां आज तो बाद मैं तेरे सिवा कदी किसी दे सामने मुजरा नहीं करांगी नहीं करांगी फकीरिया यार मैं कद हसदिया नहीं देखिया लगता तेरा भी धंधा ठीक ठाक नहीं हुंदा वो धंधे का तो सिर्फ एक बहाना ही है यार मैं ते सिर्फ इस आस ते सड़कां ते जिंदगी प्या गुजारना वा कि शायद मैनू मेरी विछड़ी हुई भैन मिल जाए कि शायद किसी दिन मैनू मेरे मां प्यो का कातल लभ जाए लभण वाले नू ते रब लभ जांदा है जे वह जीवदे होए तो तैनू एक ना एक दिन जरूर मिलणगे इंशाल्लाह अच्छा यार रब राखा मैं कम ते चले अच्छा रब राखा परवरदिगार मैं कल्या कद तक पति नाल लड़ती रहांगी मैनू मेरा विछड़ा वीर मिला दे विछड़िया होया वीर मिला नहीं ग्यारह तो लैके एक बजे तक तेन मुजरे का टाइम तो याद नहीं रहा बचपन का बिछड़िया होया वीर तेन हूं तक याद नहीं नहीं हर वेले पिछले अंदर रोंदी रहा कर कदे पुतली भाई दा भी ख्याल कर लिया कर जिन्हें लख रुपया ला के पत्थर नु हीरा बनाया इधर फिर इन्हें तो मैं पहले तीली लावा पुतली भाई जे तू मेरी शराफत दा आखरी ऐस बुद्ध भी जाया करन दी कोशिश की थी ते मैं जहर खा के मर जांगी ना 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 ऐस रुम ना करी क्यों मेरी रकम ते पानी फेरना है अला तस्वीर इन सोहना जहा फ्रेम करा के अपने कमरे चला ला We'll be right back.
तू मेरी मदद ना करता तो ए जालिम माशरे ने मेरे कोलो मेरी शराफत का आखिरी सबूत भी खो लेना सी। मैं तेरा एहसान कदी नहीं भुलांगी वीरा। ओ जी एहसान वाली केड़ी गल है, खुशी तो इस गल दी है कि मैं भी किसी भैन दे काम आ सकियां। ऐ लो अपनी मां ने मेरी मेरी मां की तस्वीर है। लगता तैनू भी मेरे वांगू अपनी मां नाल बड़ा ही प्यार है। आहो वीरा, गुआचा होया रिश्ता लभन दा एहो ही ते आखरी वसीला है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्सी रानी, तेरी पिछली सीट ते पए हुए ब्रीफकेस विच 10 लाख रुपए दी हीरोइन ने। तू इस माल नू लाहौर राजे दे डेरे ते बाई रोड पहुंचाना है या बाई ट्रेन, उदे बारे च तेनू सिकंदर आप ही दस देवेगा। जी बेहतर। लिफ्ट। जी जी जी। की नाम है तेरा? बक्षु। ठीक है ठीक है, तेरा एक ही नाम होना चाहिए। कितने जा रहे हैं? मैं जिथे मर्जी जाना जी, पर जावगा तुम थले ला के। ना जे तू मैनू इतने ला दिता तो मैं कली रह जावगी। तू जा तो रहा ही राज, मैनू भी ला दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, साथ ला देंगा, पर एक गल का ख्याल रखना, उत्तर लग गया मैनू टिप देने की कोशिश ना करना, क्योंकि मेरे मालिक ने मैनू मना किया है। हाँ जी बशकू साहब, तुसी रहते किथे हो? मैं जी मालिक के कोल ही रहना जी, ते मेरे मालिक की कोठी का नंबर है जी 1-40 मॉडल टाउन। ये कहते ने जी उन्होंने नाल। अच्छा अच्छा, यानी के मतलब है कि 39। मतलब तुसी आप ही कर लो जी, पर तुसी मेरे मालिक का पूछ क्यों रहे हो जी? नहीं मैं क्या, जरा गला नाल सफर अच्छा गुजर जाए। जी इंज लगता है अगे डेंट एक्सी हो गया। एक्सीडेंट? आहो जी, तुसी बैठो मैं पता करके आ रहा। बॉस ने सच ही किया सी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਬਖਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਮੁੰਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਇੰਜ ਕਹੋ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਓ ਯਾਰ ਲੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਖਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਬਖਸ਼ੂ? ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਬਰ ਖਾਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈ ਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ, ਮਾਈ ਬੌਸ। ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਵੈਲ ਮਿਸ ਰਾਣੀ, ਸ਼ਿਪ ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਆਦਮੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਲੋ ਔਰ ਮਾਲ ਦੋ। ਬੌਸ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕੀ
हाजिर है मिस्टर विलियम। ओ, मेरा ख्याल है कैश पेमेंट की बजाय तुझे चेक ज्यादा पसंद आएगा। सर विलियम, विलियम नहीं, इंस्पेक्टर बाबर खान। ऐस मुखबरी के बदले कानून यकीनन तैनू इनाम देगा। ऐस बगावत के बदले मैं तैनू तेरे भरा की लाश का तोहफा पेश करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे वीर नू कुछ हो गया तो मैं चूंदी मर जावांगी। मैं तुहाडा वादा तो पूरा कर दिता, हुण मेरे वीर नू कौन बचाएगा? तू फिक्र ना कर, तेरे वीर इंशाल्लाह मैं बचावांगा। अमलदार, यस सर, यस सर, माल कब्जे च लैके इन्हां मुजरमां नूं गिरफ्तार कर लै ते मैं हुणे आना। मिस रानी, कानून दी दित्ती हुई जिंदगी तैनू पसंद नहीं आई? बेबस ते मतलब परस कानून नू देख के दुख भी होया ते इल्म च इजाफा भी। आज पता लगा है कि कानून मुजरिम नू पहली बारी फाड़ के छड़दा इसलिए कि हुण उस तो वड्डा जुर्म करन दी चाह चाह जावे। तैनू सुल्तानी गवाह बनाण दा एहसान भी तेरे ते कानून ने। जे कानून मैं पनाह नहीं दे सकता एसपी साहब, ते फिर मेरे जुर्म वापस कर दियो। इसलिए
कि जो जुर्म ना साथ देनी सा तो सिर्फ मेरी जान खतरे च सी, अज कानून का साथ दिता है तो साड़ी दोवां दी जान खतरे च पै गईआं ने। पर डर ना कानून मुजरमां नूं लभण लई थां थां ठेडे पै खांदा सी। मैं कानून की लाठी बन के कानून जुर्म के घर तक लै गई। ताडा कानून मैं पनाह नहीं दे सकता, जे ताडा कानून पनाह नहीं दे सकता एस पी साहब, तो फिर साड़ी उंगली फड़ के सानू जुर्म तो उन्हें ठेकेदारा को वापस छा दो, जिन्हों ने मैं अपने मासूम भरा की जिंदगी का सौदा किया। आपके स्वागत पी साहब, मैं आजादी नहीं चाहिए, मैं अपने वीर की जिंदगी चाहिए, अपने वीर की जिंदगी चाहिए। Yes, Daddy, she's right. Absolutely right. Rani, मैं तेरे नाल वादा करना कि आज तो बाद कानून तेरी हर तरह हिफाजत करेगा। हाँ रानी, तू समाज दुश्मन की कैद तो आजाद भी रहेंगी, ताडे दोवां वाल बदन वाला हाथ भी वट दिता जाएगा। डैडी को बेटी, आज तो बाद में तेनू रानी नहीं ती रानी कह। बाबर यस सर, आज तो बाद साड़ी थी साड़े घर रहे, अपने इस छोटे पुत्र दी मुस्तकबिल दी जिम्मेदारी भी मैं तेनू सौंपना। डोंट वरी डैडी, मैं इंशाल्लाह आज ही बिल्लू नू हॉस्पिटल दाखिल करा देगा। गुड, नाउ गेट गोइंग। थैंक यू। जाओ बेटे जाओ। ए मेरे मां जी ने। सलाम अलैकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लड़की है। ऐसी तो कोई गल नहीं माजी, इनू मैं नहीं लिया, ये डैडी के हुक्म ना लेते आई। की मतलब? एदा ना ते रानी, पर इंदे मुकद्दर च हुक्म करना नहीं हुक्म मनना है। हाँ जी, बाकी दी तफसील तुसी डैडी को पूछ लेना, अगर इजाजत होवे ते तुहाडे नाल वाला कमरा फिलहाल इनू अलाट कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर। थैंक यू मम्मी। मिस यू फॉलो मी। मेरा ख्याल है तानू ये बेडरूम पसंद आया होगा। बेडरूम नालो मैंने एक कार्ड इंसान ज्यादा पसंद है। थैंक यू बाबर साहब। मैं तेरे को एक गल पूछना चाहनी हूं। जी पूछो। जिल्लत दे हनेरे विचों कट के इज्जत दे चानन विच ते लै आए हो, हुण खुशी मेरे कोल खोत नहीं लोगे। एदा जवाब ते आने वाला वक्त ही दे सकदा रानी बेगम, पर मैं इना जरूर कह सकना कि तुहानू इस घर विच तुहाडी शराफत के बदले सारी जिंदगी प्यार मिल सकता है। तैनू इस घर विच तेरी शराफत के बदले सारी जिंदगी प्यार मिल सकता है, सारी जिंदगी प्यार मिल सकता है, प्यार मिल सकता है। Thank you.
सुख बांटना तेरे पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी कि तू इत्थे क्यों आई है। इसे तरह तैनू भी इस कार दे किसे फर्द नूं इह दसण की कोई जरूरत नहीं कि मैं की हाँ। मैनू इस कार विच वेख के कोई सवाल न करी, क्योंकि मैं जवाब देने की बजाय सवाल करन वाली जबान नूं वड देना ज्यादा पसंद करना। मेरा हुक्म भूल के जिस दिन तू अपनी जबान खोलेंगी, उससे दिन सिर्फ तेरे ही नहीं, हॉस्टल च रहने वाले तेरे उस भरा दे साह भी बंद हो जाएंगे। हेलो, यस, क्रीम स्पीकिंग। दिलावर बोल रहा करीम, मैं अपना आदमी भेज रहा, हूं पेमेंट कर दें। पेमेंट केड़ी? पेमेंट माल दी भाई। ओ
उस माल दी रसीद है तेरे को? रसीद? तू पागल तो नहीं हो गया करीम? शायद तू ही नहीं जानता कि स्मगलिंग दे माल दी कोई रसीद नहीं होती। शायद तू ही नहीं जानता कि सेठ करीम स्मगलिंग दे माल दी कदी पेमेंट नहीं करता। हराम सादे कुत्ते, ये तू मेरी रकम पीन की कोशिश की थी ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओह शट अप। हेलो हेलो हेलो, मैं करीम नू जानू मार दियांगा। मैं पूछ सकना डैडी के तुसी पुराने दुश्मन नू माल देने दी गलती क्यों की थी? गलती मेरी नहीं, ओ दिए माल लेन तो पहला सेठ करीम ने अपनी पुरानी दुश्मनी नू दोस्ती बदल दी दरखास्त की थी, नाले अपनी पिछली गलती दी माफी में मंगी सी। जे गले ते फिर मैं ओ दे कोलो अपना 4 लाख रुपया वसूल करके ओनू एहजी रसीद दियांगा ते ओदी पूरी नसल याद रखेगी। सेठ करीम खुदकुशी करन दे होर भी कई तरीके ने, जे तू मेरी गोली नाल मरण दा फैसला कर ही लिया ते फिर मैनू कोई एतराज नहीं। लगता है गलत फहमी का तूफान तेन उड़ा के मेरे कमरे विच ले आया, वरना तेरे हाथ विच पिस्तौल कदी ना होना। इनकार नू गलत फहमी कह के तू अपनी जान नहीं बचा सकता। जुर्म साबित करन तो बगैर ते कानून भी किसी नू सजा नहीं दे सकता। तेरे जुर्म दा ए सबूत काटे के तू पेमेंट करन तो इनकार कीता है। हुन ते इनकार मैं अपने पार्टनर दे कहन ते कीता सी, एदे विच मेरा कोई कसूर नहीं। जे तन फेर भी यकीन नहीं आंदा कि ऐस ब्रीफ केस नू खोल के अपनी रकम देख ले, पूरे 4 लाख। तेरा पार्टनर कौन है? पार्टनर बनन लगिया मैं हलफनामे दे दस्तखत कीते सन, इसलिए मैं उदा नाम ते पता तैन नहीं दस सकता। पर मेरा ईमान है कि वो पूरे 9 बजे जरूर आएगा। ओ आ गया। यकीन तो मेरी गोली नाल मरण की बजाय जेल च जिंदा रहना ज्यादा पसंद करेगा। जे अज बाबर ने मैनू पछाण लिया ते सारी खेती बर्बाद हो जाएगी। आई से हैं चप। सेठ करीम दे अड्डे उत्ते अकबर इंस्पेक्टर बाबर की गोली ना जख्मी हो गए। की बकवास कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा बॉस, सेठ करीम ने मुखबरी करके उत्ते पुलिस बुला ली सी। कसम, सेठ करीम नु दफनान की जिम्मेदारी ओदे वारसा दी, तेरा काम सिर्फ उल कतल कर। राजू, ये कल दे अखबार च इंस्पेक्टर बाबर दे कतल की खबर ना छपी तो याद रखी परसों दे अखबार तेरे कतल की खबर जरूर छपेगी। इंस्पेक्टर बाबर।
ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੰਜ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਕੰਜਰੀ ਭੁੱਖੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇਣ। जनाब मेरा ना बोला है तो मेरी जख्मी पैंडो ना लड़ो है। जख्मी? ते लड़ो? बाऊ जी साढ़े नाल बड़ा जुल्म होया है। मैं ते मेरी जवान पैंड लड़ो पिंडो वारसा के डाकू ने साडा राह डक लिया। तू है दस उन्ना चो किसी ने तेरी भैन की इज्जत नहीं लुटी? नहीं जनाब एदी इज्जत किसी ने नहीं लुटी। जे इस कुड़ी की इज्जत किसी ने नहीं लुटी तो फिर इस कुड़ी का दर्शन तो कर लीए। हिंदी च दर्शन मेरे कर लो ते उर्दू च कहंदे ने दीदार ओ एदा। जी पाजी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਾਓ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਪੀਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਫੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਏ ਓਏ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੋ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ 5 ਲਾ ਦੇ ਗਲਸ ਹੀ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਪਾਈ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਏ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫੁੱਟਾ ਖਾ ਫੁੱਟਾ ਖਾ। ਯਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਨਾਮ ਰਾਤੋਂ ਸਿਹਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼। ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤਾ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਨਾ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ।
ਇਤਰਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਬੱਟ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ ਅਕਬਰ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੋਤਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡੈਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਪੈਰ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਡੈਡੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਵੇ। ਖੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਿਖਾ ਅਕਬਰ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਮਾਰ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਲਾ ਗੋਲੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵਿੰਨਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਇੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਾਬਰ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ। ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ। ਬਾਬਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਅਕਬਰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨੀ ਉਸ ਨਾਮਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀ ਨੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਜਾਣੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਨੱਚਾਂਗੀ, ਦੌਲਤ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਓਏ ਬੁਸਲੋ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਗੋਲੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ?
गोली जिसम विच चली जाए तो बड़ी छेती बाहर निकल आती है, पर जिसम जेल विच चला जाए तो बड़ी देर नाल बाहर आता है। अज बाबर ने एसपी शेर बहादुर के सामने मेरे ते समगलर होने का इल्जाम ला दिता। फिर शेर बहादुर साहब ने बाबर को उस इल्जाम का सबूत मंग लिया। बाबर ने मैनू लत विखाने का हुक्म दे दिता। तू अपनी जख्मी लत नहीं विखाती? एक छड़ के दोवे विखा दतिया सर। फिर क्यों होया? तू ते जख्म का कोई निशान ही नहीं सी। की मतलब? तेन गोली नहीं सी बची? गोली बची भी सी पर लत उत्ते नहीं। ऐथे वजी सी। दरअसल होया ए कि सेठ करीम दे अड्डे ते बाबर ने मैनू पछाण लिया। मैं उनू धोखा देन लई लत लंगड़ांदा होया बाहर निकल गया। वाह भी वाह अकबर, इस मामले तू साडा प्यो निकले। मैं तेरा प्यो या तू मेरा प्यो है ते रब्बी? बस नहीं, अकबर दा प्यार दिल विचों निकले है के नहीं? पुतली भाई, तू मेरे जिस्म जो जान से कट सकनी है पर दिल जो अकबर दा प्यार नहीं कट सकती, नहीं कट सकती। शेरू गैर तो नादरा ते जुलम होंदा वेख के मैं तुहानू सिर्फ इसलिए माफ कर रहा कि तवायफ दी जबान ते दलाल दा हथ रोकन लई ताकत दी नहीं, सिर्फ दौलत दी लोड़ होंदी है। अकबर साहब, अगर महीने दे महीने किस्त मिलती रही ते मैं कदी भी कबाब भी छड़ी नहीं पड़ागी। जब तक मैं जिंदा वा कुत्ते नु हड्डी मिलती रहेगी। मैंने यकीन सी एक न एक दिन मेरा प्यार तेनु इत्थे जरूर ले आएगा। प्यार? प्यार कोलो मैनू नफरत 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 इंतकाम दा सहरा है ते प्यार प्यार है सहरा विच खिड़े हुए फुलां दी एक बहार है। नहीं नादरा नहीं, बचपन तो लैके अज तक मेरे हिस्से विच प्यार दे फुल नहीं, सिर्फ नफरत दे कंडे आए ने, नफरत दे कंडे। जे अज तक मेरे नाल किसे ने प्यार नहीं किया ते मैं भी किसे नाल प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गुजार
Yes. AIG साहब की चिट्ठी आई है जिदे विच उन्होंने तीन बदनाम समगलरां नूं फौरी तौर से गिरफ्तार करने का हुक्म दिता है। तो डिपार्टमेंट ने जिहड़ा ग्रुप इस मिशन वास्ते तश्कील किया है उहदे विच तेरा नाम भी। विद ड्यू रिस्पैक्ट डैडी, मेरे गस के मुताबिक मुजरिम तीन नहीं चार होने चाहिए ने। की मतलब? सॉरी डैडी, मेरी अपॉइंटमेंट है, फिर किसी गल करा। अपने प्यो के कतल का बदला लैन लई मेरे को अकबर की जीप थले बंब बनवाता जी। बंब बन दिता है? आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए, शाबाश। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, कुछ नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। दुश्मन साथियों, आज इंस्पेक्टर बाबर दे अन्य आउन दी खुशी असी एक जहा जश्न मनावांगे जहा सारी हयाती तानू याद रहेगा। नहीं नहीं डैडी नहीं, तुसी बाबर दे अन्य होण दा
जश्न नहीं मना सकते। एक ही कह रहे अकबर, वो इंस्पेक्टर साड़ा दुश्मन है। पर वो मेरा मोहसिन है टैडी, उन्हें मेरी जान इंस्पेक्टर बन के नहीं, मेरा प्रा बन के बचाई है। ते जेड़ा किसे दे एहसान नु एहसान नहीं समझदा, मैं उन्हें इंसान नहीं समझदा। मैं ते सिर्फ उस बंदे दी तलाश विच आ जिन्हें मेरी जीप थले बम बनिया सी। ए थानू मैं दसनी मुराद, तू अली तक जिंदा है? हाँ मैं जिंदा वा। मेरे बच्चां दा तेनू जरूर अफसोस होया होना, यकीन कर मुराद, तेनू मार के मैनू जरा भी अफसोस नहीं होवेगा। शिकारी बहादुर जरूर होता है पर कदी कदी आप ही जाल फंस जाता है। मैनू तेरे ते बड़ा तसार है अकबर, मैनू इस वेले तू बच्चा लग रहे हैं जेड़ा तितली ते फड़ना चाहता है पर फड़ नहीं सकता। पक ना होए चिट्टिया पगलिया, दुश्मन दे घर विच खाली हाथ ललकारा नहीं मारीदा अकबर। एना खटौणिया ते ही सारा पिस्तौल खाली कर लिया, हुण मेरे को इंतकाम किवें लवेगा? ओए इंतकाम ते आप हथियार है जेड़ा लहू दे दरिया विच डुब के भी प्यासा रहिंदा है। तेरी वारी मुक गई है अकबर, ते हुण मेरी वारी है। तैनू यकीन है तैनू अपने कातल जरूर पसंद आए होंगे। एक दो तीन चार बस। ओए तैनू शायद पता नहीं कि कुत्तियां दा इज्जड़ भी कल्ले शेर दा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेत दिए कंडे कंडे मेरे साथियों दी एक ठोकर दी लोड़े, टकरान भी ते पता लगेगा के रेत दी कंदा के पत्थर दा किला।
मेरी खुशियां तेरी अखां दे जानन दे नाल ही गुआच गई सन। भरा भरा वाले तो जान दे देंदे ने, ते नाले मैनूं तां कुछ भी नहीं होया। अल्लाह करे तैनू कुछ भी ना होवे। एक बूटे दे दो फुल पर खुशबू वखो वक, एक जुर्म दा कातिल ते दूजा कानून दा कातिल। हाँ के आया यार, पर तू इतने की कर रहे हैं? बैठ बैठ आ जा। थैंक यू। तू मैं दसिया नहीं, मैं तेन पूछा सी तू इतने की कर रहा है? बड़ा जरूरी काम जा रहा सा कि मेरी गड्डी का फैन बेल्ट टूट गया। ओहो, मेरी गुड लक हो गई कि तुसी आ गए, पर ना इतने तो कोई किसी नू लिफ्ट ही नहीं देंदा। हाँ अजकल का दौर तो ऐसा ही। चल ड्राइवर चल। चल भाई चल। हाँ अकबर, इस दौर ही कोई इन्ना हवस है कि हर शख्स रातों रात अमीर तो अमीर तर बन जाना चाहता है। उसको बिल्कुल यह एहसास नहीं कि मेरी कौम मेरे मुल्क का कोई बखार गई है। वो उसको भी दाते ला देना, मतलब तो बगैर तो कोई किसी नू लिफ्ट देंदा ही नहीं। बिल्कुल ठीक किया जे, जे पुराना मनाओ जिथे तेरा जी करे लै ली यार। ब्रीफ गेज अकबर, मैनू बड़ा चंगा लगा यार। मैं दे यार तू, मैं तुहानू इसो भी बड़ा आले हल आला लैके दिया। तू मैं देता नहीं पिया अपने गल तो सुनो। मैं भरा तो जान कुर्बान कर दिया।
جان قربان کی کرنی ہے جی اپریت کیس کی طرح جان چاہیے اللہ نہ کرے تو میں جیوندا رہا پرات جیوندے تکے لگ نہ بس تن اپریت کیس دے تیری مہربانی اور نہیں اکبر نہیں آں میں جلدی سن سنا ہاں میں تانوں اپریت کیس لے کے دیاں گا بڑا وہ کیوں کا جان اللہ کا تو کروں نوا لے کے دیاں او نہیں اکبر نہیں او چھڈ یار اکبر تو رہن دے ہم کر رہے نوا لے کے دے نہیں کھولے او سارے دے سامنے آ کے فیصلہ ہو جائے گا फैसला किस गल दा ओ गल ता बड़ी मामूली जी है डैडी तां ता पता है अकबर एवें मुफ्त दा रफड़ पाई फिरदा है पर तुसी मेरे नाल ये वादा करो कि मेरे केस दा फैसला तुसी डैडी बन के नहीं जज बन के करोगे जज बन के ठीक है तो फिर हम अपनी खूबसूरत बेगम के सर पर हाथ रख कर वादा करते हैं کہ ہم اس کیس کا فیصلہ قانون اور انصاف کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کریں گے عدالت کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جاتی ہے ملزم میرے بائیں ہاتھ آ جائے اور مدعی میرے دائیں مدعی میں جناب والا آپ اپنی جگہ پر ٹھیک کھڑے آپ بائیں ہاتھ آ جائیے مہربانی جناب والا میں ہمیشہ اپنے چھوٹے بھرا دی پسند کا خیال رکھ دیا ہوں میرا جیڑا کھڑاونا اینو پسند آیا میں دے دیتا جناب لیکن اج ایک معمولی جیا بریف کیس جیڑا مینوں پسند آیا اے نے دین تو انکار کر دیتا ہے تے میرے نال سراسر ناانصافی ہے جناب والا جناب والا میں عدالت دی خدمت وچ درخواست کرنا کیس بریف کیس دیا ساریا چیزاں اکبر نو دیتی ہیں جان تے بریف کیس میں نو دیتا جائے لیکن ڈیڈی تسی سمجھ دے کیوں نہیں میں اپنے وڈے پرانوں پرانا بریف کیس دینا مناسب نہیں سمجھتا اے انہاں دی شان دے وی خلاف ہے تے تہاڈی شان دے وی خلاف ہے میں انہاں نو نواں بریف کیس لے کے جاؤں گا اج ہی سوال نویں پرانے دا نہیں جناب والا میری پسند ہے یو آر رائٹ مدعی اور ملزم کی بحث سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مدعی ساری زندگی اپنے چھوٹے بھائی کی ہر خواہش اور پسند کا خیال رکھتا رہا ہے اب ملزم پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی پسند اور خواہش کا احترام کرے لہذا عدالت اس بریف کیس کی تمام چیزیں ملزم اکبر کو دیتی ہے اور یہ بریف کیس مدعی بابر کو دیتی تمہارے انکار کی وجہ اب ہماری سمجھ میں آئی ہے اکبر در حقیقت تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو یار تم تے بہت ہی غریب آدمی نکلے اے تم بجلی والے نہ کم کدوں تو شروع کر دیتا ہے پر مال کدھر گیا شیخ اکبر نو غلط بریف کیس دے کے جڑی غلطی تو کیتی ہے وہ ساڈے سارے لئی موت بن سکتی ہے اس تو پہلا کہ اسی سارے کتے دی موت مر جائیے جا جا کے شیخ اکبر کولو اپنے جرم دی معافی منگوئے معافی منگوئے بندہ کرے قبلیاں تے سونا رب کرے سولیاں اینو معافی منگن دی لوڑ نہیں میں تے اینو انعام دے رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ پڑھ لے جے جے میں نو غلط بریف کیس نہ دیندا تے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جانا سی میرا اصلی مال کتھے ہا 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 ہا
तू ते वाकई कमाल कर दिता अकबर। अकबर नू उस वारदात दी कदी खुशी नहीं हुई जिदे बाद कानून नू अपनी शिकस्त ते गुस्सा ना आए। तेरी कामयाबी का यकीन ना होता तो मोती नू कदी हीरा मंडी ना भेजता। हीरा मंडी? हाँ, तेरी फतह का जश्न मनाने लई मैं शहर की मशहूर तवाइफ नादरा बाई नू बुलवाया। नादरा? गुड्डू बेटे मां दे होंदे हैं तस्वीर दी की जरूरत पै गई है? बड़ी जरूरत है। सेठ कयूम तू गवाही दित्ती सी ते मैं जेल गया सा। आज मैं इंतकाम लवांगा ते तू सीधा कब्रिस्तान जाएगा। मोती? ओ तू मैनू जाननी है? अपनी अपने मां प्यो दे कातिल नु कौन भूल सकता है? तेरे तेरे मां प्यो दा कातिल? नहीं नादरा नहीं, मैं कातिल नहीं, मैं ते बिजनेसमैन हां। बिजनेसमैन मोती, मेरा काम सिर्फ अदालत विच गवाही देना है। एदा फैसला ते कानून करेगा कि तू बिजनेसमैन है या सेठ कयूम ते ओदी बीवी दा कातिल। सेठ कयूम? राजू मैं बच्चे भी जिंदा नहीं रहने चाहिए। नादरा भाई मेरी जिंदगी ते मौत का फैसला ते कानून करेगा, पर तेरा फैसला मैं करूंगा। माती, जे मेरे कोठी से कत्ल हो गया ते मेरा की बनेगा? मकबरा पुतली भाई, मोती बार बार गलती करन दा आती नहीं। इस बारी मैं पहला नादरा दे कत्ल दा गवाह मारंगा ते फिर नादरा नू। कत्ल करूंगा।
तेनू पक नहीं हो जिन्हां भैणां दे भरा जिउंदे होण उहनां दी इज्जत उहनां दी इज्जत कोई नहीं लुट सकदा। तू तू कौन है? ओए इस बद नसीब भैन दा पिछड़े आया वीर ते उस बेगुनाह सेठ कयूम दा पुत्र ओए जेड़ा तेरी गोली दा निशाना बनिया सी ओए तेरी गोली दा निशाना बनिया सी। पैसा पैसा इकट्ठा करन लई सड़का ते फिरन वाला पाहश कुत्ता शहर नु ललकार दा चंगा नहीं लगता। तेरे लई इन्नी सजा काफी है कि तेरी अखा दे सामने तेरी भैन दी इज्जत लुटी जाए। मेरे सफर का और इम्तिहान ना लै तेनू तेरे प्यारे हबीब का वास्ता ही मेरी खिदमत तेरे मेरे मालिका के सालिम को मैं सुनवाना हिसाब लै सका हिसाब लै सका। नवालिया जीवन नवालिया नवालिया जी
अफसोस की गल है कि दिन ब दिन कतल डकैती ते समगलिंग की वारदातों च इजाफा होता जा रहा। मुजरिमां की दलेरी ते हैरान होने की बजाय सानू अपनी कुताही ते शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान की पाक सरजमीन मुजरिमां तो पाक करने लई समाज दुश्मन अनासर का चीना महाल कर दिओ ते चप्पे चप्पे ते मुआवजा की ड्यूटी ला दिओ। पुलिस ने सारे शहर की नाकाबंदी कर दी है ते फिर की होया? कानून के मुआफज कोई लोहे की वर्दी नहीं पाते जिदे विचों गोली नहीं लग सकती। मैं अपनी राह विचाण वाली हर कंध नूं ढा दियांगा। नहीं अकबर नहीं, हर फैसला जोश की बजाय होश नाल करना चाहिए। राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अकबर, तेजाब नूं शरबत समझ के पीने वाले कभी सिनारी बचते। हाँ, माल जरूर पहुंचेगा, किस तरह पहुंचेगा ये सोचना तुहाडा काम नहीं, मेरा काम है। मेरा रानी उत्थे खलो गई है, अंदर लंघ गया है। बाबर तू देख सकने? नहीं नहीं, मैं तो नहीं देख सकता। तो फिर तेन मेरे आन का पता किवें लगा है? मोती की खुशबू ने मैं तेरी मौजूदगी का एहसास दवा दिता। हाँ बाबर, अम्मी ते डैडी चाह ते तेरा इंतजार कर रहे ने। उन्होंने कहो मैं कपड़े बदल के आना। अच्छा ठीक है। ओ बड़ा बची है उस्ताद, जे बहाना मकूल लाना होंदा ते अज फड़ेगा ऐसा। झूठ दी उम्र छोटी ना होंदी ते बंदे नु सच बोलन दी की जरूरत सी? ए की कह रही है रानी? ओही जिदी तेनु सारी समझ आ गई है। अन्या बढ़न दी बजाय मेरे दिल वाल वेख बाबर, जड़ा तेनु प्यार करता है। नहीं रानी नहीं, जे मैं तेरे प्यार वाल टुर पिया ते वो मंसल मेरे को दूर हो जाएगी जिथे मैं पहुंचना चाहना। मेरे नाल वादा कर, मेरे अन्ने होने का राज तो उदों तक अपने सीने च रखेंगी जदों तक मैं अकबर के मुजरम होने का सबूत हासिल नहीं कर लेता। तैनू उदे जुर्मां दा सबूत चाहिए ना? आहो रानी, तू उनके बारे च कुछ जाननी है? हाँ, तेरे दुख नूं सुखी च बदलन लई अज मैं तैनू अकबर के बारे च सब कुछ दस दियांगी, सब कुछ दस दियांगी। बहुत घट लोग जानते ने कि रानी बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों कर गई है? अन्या नाल मजाक चंगा नहीं होता, तू तो इंज चुप कर गई है जिवें तेरी किसी ने संगी घुट दिती है। हाँ, मैं कह रही सा कि बहुत घट लोग जानते ने अकबर हर महीने तीन मसीतां ते पांच यतीमखाने नूं बकैदी नाल चंदा देंदा है। हाँ हाँ, क्यों ना देवे, भरा किदा है? मैं अंदर आ सकना? ओए अकबर, तेरी बड़ी उम्र है यार। लाला मैं इधर हाँ, इधर। रानी हुणे हुणे तेरिया गल्लां कर रही सी, तेरिया नेकिया दी फरिश्त गिना रही सी, फरिश्त। एदी मेहरबानी है लाला, वरना मैं किस काबल हां? क्यों नहीं क्यों नहीं, पहले मैं ते रानी दोवें कट्ठे नेकी दे काम कर दे रहे हैं। अच्छा, हुण भी मैं इसे सिलसिले विच ही हाजिर होया लाला। है? रानी, कल मैं अन्ने लूले ते बहरे बच्चों की इमदाद लई एक फंक्शन कर दिया। माशाला माशाला, मैं चाहना रानी तू भी मेरे नाल उस फंक्शन विच शरीक होके इस कारे खैर विच हिस्सा लवे। हाँ रानी हाँ, अकबर ठीक कहंदा, तैनू उस फंक्शन च जरूर हिस्सा लेना चाहिए।
पुत्र दो एपी दो शुदाई अज पता लगा है तू अन्यान का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया मेरे पुत्र नु मुजरिम साबित कर सके। मुजरिम की चालाकी कानून नु पता नहीं की कुछ बनने मजबूर कर देती है मां। कंधे खून ने एक ना एक दिन ते अपना आप बहा नहीं सी। बाबर कसूर तेरा नहीं मेरा भी। सब दे बच्चे नु प्यार करन लगिया मैं ही भूल गई सा क्यों दी ते फितरती डंग मारने। मां खबरदार वे मैनू मां ना आखी। मां मैं सिर्फ अकबर दी हां वे मुजरिम दे पुत्र नु प्यार शराफत इज्जत देन दा सिला आखिर एहो ही मिलना चाहिदा सी मैनू। ये की कह रही है मां? मैं ठीक कह रही हूं वे अपने वहम नु यकीन दा रूप देने लई चाके कानून दे खाते फूल तेनू अपने बदनाम पियो दिलावर स्मगलर दा नाम किधरे ना किधरे जरूर लग जाएगा। कानून दे खाते फूलन दी कोई लोड़ नहीं। मन नूं तुहाडे इक इक लफ्ज़ विचों सच्चाई की खुशबू आ रही है। तुसीं मेरा जुर्म नाल रिश्ता जोड़ के अपने इंतकाम की अग ते ठंडी कर लईए पर मैं सब कुछ सुन के भी शर्मिंदगी ते खूह च इसलिए नहीं डिगा कि कानून की नजर विच मुजरम होना जुर्म है। मुजरम प्यो दा पुत्र होना कोई जुर्म नहीं। कानून के घर पैदा होना काबले फख्र नहीं लेकिन कानून का एहतराम करना बादशाह की इज्जत जरूर है। बाबर ते अकबर दोवें इक्को घर पैदा हुए। मैं इंस्पेक्टर बन गया ये मेरी अजमत है और मुजरिम बन गया ये उसकी जिल्लत है। बाबर ठीक कहता है मां जे मिट्टी नु सोना बनाना सिर्फ तुहाडे इख्तियार विच हुंदा ते अज अकबर इंस्पेक्टर हुंदा ते मैं एक मुजरिम। अपने पुत्र की बदकिरदारी तो मेरी मेहनत वफादारी नु कुर्बान ना कर मां। मुजरम की सजा सुन के परेशान ना हो मां इंस्पेक्टर का फर्ज पूरा होने की खुशी मना। अज तेन हक का साथ देना पेगा मां इसलिए कि मैं सच का सबक दिलावर ने नहीं तू दिता सी मां तू दिता सी। बस कर बाबर बस कर बस कर बस कर मैं मां ही रहन दे मुनसिफ ना बना। जून जो क्या तेरे वालों मुंह मोड़ा ते मां का रिश्ता मुक्त है जे पुत्र वालों मुंह मोड़ा तो मां का रिश्ता टूट दे। मैं सिर्फ एस पी की बीवी नहीं अकबर की मावी हाँ ते कोई मावी अपनी चोली खाली होंदिया नहीं वेख सकती नहीं वेख सकती। अकबर ने ते चुरम करके मां दियां खुशियां लूटी लईयां ने पर तू ते मां दियां सतरां दा खून ना कर। अज इक मां तेनू पालन दा तेरे कोलों हक मंग रही है ते तेनू ए हक देना ही पेगा। बाबर वे चून चो क्या जिन्ना हथां नाल तेनू लोरियां दे दे के जवान कीते अज ओ याद तेरे को अपने पुत्र की जिंदगी की भीख मांग रहे ने बाबर भीख मांग रहे ने। मां बस कर मां बस कर मैनू गुनाहगार ना कर। तेरे इस पुत्र नू प्रार्थ जुर्मा करो तेरी दुआ ज्यादा कीमती है। मैं तेरी खातिर कानून ना रिश्ता ही तोड़ दियांगा। बाबर
हां मां, मैं जान के बावजूद भी फर्ज ना गद्दारी नहीं कर सकता, मान नहीं कर सकता। बेगम, जो थ्रुआ नल जुर्मा दे निशान मिट सकते, ते फिर सारिया मावां रो रो के कानून को अपने मुजरम पुत्र बचा लेंगी। पर हुण की होवेगा? इंसाफ, बाप बन के बाबर को तेरी ज्यादती दी माफी मंगांगा, ते कानून बन के अकबर नू ओदे जुर्म दी सजा देंगा। बाबर, जिस मां का पुत्र मुजरिम साबित हो जावे, उस मां दे कलेजे नू हाथ ते पई जांदा है ना, नाले बेटा उ तेरे तो नहीं, तेरी इस वर्दी तो नाराज है। इस वास्ते वर्दी ला देती है ना, ताकि मां खुश हो जाए। झूठ ना बोल बाबर, ये फैसला करन लग्या ना ही तू मेरी मेहनत का ख्याल किया है, ते ना ही अपनी मरण वाली मां की ख्वाहिश का एहतराम। पहले पालन वाली मां का हक अदा कर लवा, फिर जम्मन वाली बल नसीब मां भी रोलांगा। बाबर, मेरा भी ते तेरे ते कुछ हक है ना, हले मैं ते तेनू शुरू दिन तो इको ही सबक दिंदा आया कि रिश्ता टुटता है ते टुट जाए, पर कानून नहीं टूटना चाहिए। डैडी। हाँ बाबा, कानून नहीं टूटना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं टूटना चाहिए। तू ओस्कार का चश्म चराग होके चोर डाकू ते स्मगलर बन गया, जिदी छत तो लंघन वाला परिंदा भी वतन तो कुर्बान होने की हिदायत लेके लंघता है। दसवें बदबख्ता, जिस कार च रह के तिलावर जे कातल ते स्मगलर दा पुत्र बाबर इंस्पेक्टर बन गए, उसे कारी च रह के एसपी शेर बहादुर दा पुत्र अकबर मुजरिम किवें बन गए? एसपी शेर बहादुर दा पुत्र? हां हां, तू उसे शेर बहादुर दा पुत्र है जिन्हें कदम कदम ते चुरम नु बेड़ियां ते हथकड़ियां लान दे एजाज हासिल किते ने। याद रख अकबर, चुरम दी दौड़ी चढ़ा सफर तू तय कर रहा है, ओदी मंसिल सिर्फ मौत है, मौत। इस तो पहला के मौत दे फरिश्ते दे हाथ ममता दे कलेजे नू पहन, एथो नस जा अकबर, रब दा वास्ता एथो नस जा। एनू नसन किने देना है? वाह बेगम वाह, एक एसपी दी बीवी होन दे नाते मुजरिम दा रिमांड भी लेता है, मां दी ममता दे हथों मजबूर होके उनू नस जान दा मशवरा भी दिता है। याद रख बेगम, मैं बाप बन के नहीं, कानून बन के तेरे पुत्र दी राह विच कंध बन जांगा। इंस्पेक्टर बाबर खान। यस सर।
अकबर नूं मुजरम भी तू साबित किया है। लाले दे केस की तफ्तीश भी तू ही करेगा। हथकड़ी ला लेनो। अकबर हथकड़ी फड़ा। पुत्र नूं कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरी इतला गलत नहीं बॉस, अकबर इस वेले इंस्पेक्टर बाबर दी कह दीजे। इंस्पेक्टर बाबर, ओदी सजा सिर्फ मौत है। मैं अपने पुत्र नूं आजाद कराने लई बाबर समेत सारे थाने नूं उड़ा के रख दियांगा। हथकड़ी समेत नस गए। अकबर, कानून कानून कानून, किस कानून की गल करते हो? वो कानून जरा बचपन को प्यार, जवानी को खुशियां, बुढ़ापे को इज्जत की मौत भी खो लेता है। कानून ए कानून बेगुनाह इंसानों जुल्म तशद्दुद ते नफरत दे चाबक मार मार के जुर्म की उस मंजिल तक ले जाता है जिदा पहला बुआ लोहे दिया सुलाखा विच खुलता है। आखिरी दर फांसी दे तख्ते ते बंद होता है। जुर्म सादी जिंदगी है ते कानून सादी मौत। जे मौत नू शिकस्त के जिंदगी दी पार वेखना चाहते हो ते तुहानू स्मगलिंग दी तारीख दी सब तो वड्डी वारदात करनी पेगी, करनी पेगी। जरूर करांगी अकबर, जरूर करांगा। मैं तन यकीन दुआना कल इस मुल्क के सारे स्मगलर अपने अपने माल समेत तेरे हुक्म दे मुंतजिर हो। मैं अज ही सारिया ने चला देना। शानदार जुलूस देख के साबित हो गया है कि अज मुल्क विच कोई भी जुर्मा दा सौदागर पिछे नहीं रहा होना। जुर्मा दी हिक ते सफर करने वाले डाकू कातल ते समगला दी जांच तेरे क्यादत जमा हो गई। अकबर हुण इन्हां नूं दस इन्हां दी मंजिल किन्नी दूर है? इन्हां दियां सोचां तो भी बहुत ही नेड़े। अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने लई मेरे पीछे पीछे आओ।
जरूर जाना अकबर। तुम कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए अकबर? अकबर ने राह पुलाना सीखा, पुलना कभी नहीं सीखा। हुण वेखो ना वो पहाड़ियां, इन्हां पहाड़ियां दे पिछे साडा लखां दा माल करोड़ा विच खरीदण वाले साडा इंतजार कर रहे ने। इंतजार किस गल दा अकबर? सन छेती ते छेती अपना काम करके मुल्क छड्ड देना चाहिए। छड्ड देने आ डैडी, छड्ड देने आ। लो भाई तैयार हो जाओ, हुण मेरे इशारे तो बाद इन्हां पहाड़ियां दे पिछे मेरे कस्टमर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਹਾਏ ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਰ ਮਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਦਿਲਾਵਰ, ਬਾਬਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੁਕ ਜਾ ਡੈਡੀ, ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਾ। ਬਾਬਰ, ਬਾਬਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ। ਬਾਬਰ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਰ, ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕਫ਼ਨ ਦਫ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि तेरिया रगा चिक मुजरिम बाप का गंदा खून तोड़ रहा है। मैनू मेला मारन तो पहला अपना खून टेस्ट करवा लो शेर बहादुर साहब, मेरे ताडे खून विच कोई खास फर्क नहीं होएगा। मेरा प्यू मुजरम है ते ताड़ा पुत्र। डैडी दूर क्यों खलोते हो? डैडी कई साल की जताई थी कल छुटा के मैनू सीनियर क्यों नहीं लाते? डैडी बाबर डैडी 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 छेती नाले बटन दबा के अपने ते मेरे इंतकाम की अग नू ठंडा कर दिया। शेर बहादुर मैं अपना इंतकाम पूरा कर लगा। जो एक कानून दे मुहाफिज नू मुल्क दे दुश्मन नाल करना चाहिदा सी। जे मैं डाणा मेट दी तार ना कटनी हुंदी ते तेरे वर्गे मुल्क दुश्मन दे सीने नाल लगना कभी पसंद ना करना। एसपी साहब हुण इहना चो कोई बच के नहीं जाना चाहिदा। अकबर ताड़े कोलो माफी मंग लिया सी।
अकबर तुहाडे कोल माफी मंग रहा। नहीं डैडी नहीं, बचपन तो लैके हुण तक इक्को ही सबक याद रखी है, रिश्ता टुट गए ते टुट गए, पर कानून नहीं टुटना चाहिदा।